आगामी त्योहारों को लेकर स्थानीय बियाणी गार्डन में बुधवार शाम शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में गणेश समिति, झांकी निर्माता एवं समिति पदाधिकारी, अखाड़ों के उस्ताद एवं खलीफा स्वागत मंच लगाने वाले संगठन के पदाधिकारी के अलावा प्रबुद्ध जन, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता तथा प्रशासनिक अधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित हुए। थाना प्रभारी संजय सिंह ने कहा कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को चिन्हित कर उन्हें बांड ओवर करने के निर्देश देते हुए सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ त्यौहार मनाने की अपील की। बैठक को नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि शशि जायसवाल ने संबोधित करते हुए कहा कि तेजा दशमी को राजबाड़ा चौक की साफ सफाई के साथ झांकी निकलने वाले मार्ग को दुधिया रोशनी से सुसज्जित किया जाएगा। बेटमा में डोल 11 पर विभिन्न झांकियों का कारवां निकलता है, जिसे निहारने के लिए आसपास के हजारों की संख्या में लोग बेटमा पहुंचते हैं। एसडीओपी राहुल खरे सहित जनप्रतिनिधियों ने सभी को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रबुद्ध जन, जनप्रतिनिधि, बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगर परिषद विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। आभार थाना प्रभारी संजय सिंह ने माना। बेटमा इंदौर से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। और ईद मिलाद नबी का प्रोग्राम हर क्षेत्र में, हर थाना क्षेत्र में, जिले में सब जगह रहेगा और अपने को अलग से कोई फोर्स मिलेगा नहीं, है ना। अपने ही थाने के बल से अपने को व्यवस्था देखनी है। और मेरा मानना ये रहता है कि जैसे पुलिस जनता के बिना कुछ नहीं है। आप यदि मेरे साथ में चार आदमी जुड़ गए, कितना हो गया, पाँच हो गया, ठीक है, कितनी भी पुलिस पाँच हो गई, मेरे साथ में दस। और आज बेटमा थाने में आगामी त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें हमारे गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधिगण और पत्रकार बंधु उपस्थित थे। सभी ने आपस में आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए एक दूसरे को सहयोग, सुझाव दिए। पिछले वर्ष जो समस्याएं आई, उनके समस्याओं का निराकरण का प्रयास किया गया और शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाए, इस हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बड़े वाहनों को मेन रोड से डाइवर्ट किया जाएगा और अंदर ट्रैफिक जाम ना हो, इसके लिए जगह जगह ट्रैफिक पॉइंट लगाए जाएंगे। राहुल खरे, SDOP देपालपुर। भैया, सभी पार्षदगण, सभी के समक्ष और मंदिर के पुजारियों के समक्ष बैठक आयोजित की गई। उसके अंदर ये निर्णय हुआ कि 25 तारीख के दिन ढोल 11 जो परंपरागत रूप से बेटमा मनाई जाती है, उसी अनुसार मनाई जाए। इसमें प्रशासन का जो जहाँ भी जो सहयोग होगा वो प्रशासन मुस्तैद रहेगा। इसके बाद में 28 तारीख के दिन जो अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन होता, वो भी 12 बजे के आसपास गणेश विसर्जन की अपने अपने मोहल्ले से लोग निकल जाएंगे। उसके पहले ईद मिलाद नबी का जो जुलूस है वो सुबह 8:30 बजे के आसपास वो भी निकल जाएगा। उसके बाद में 12 बजे के आसपास गणेश विसर्जन के लिए अनंत चतुर्दशी के दिन अपने अपने मोहल्ले से वो लोग हवन करके गणेश जी की प्रतिमाएँ छोटा बेटमा जाती है वहाँ पर। हमने प्रशासन से ये कहा कि छोटा बेटमा तालाब पर आप थोड़ी सुरक्षा व्यवस्था करें, जहाँ पर कि बच्चे हो रही है पानी में, कोई नदी में विसर्जित करते समय रहें तो उसका नगर परिषद और प्रशासनिक अधिकारी ध्यान रखेंगे। प्रशासन का सहयोग नागरिकगण भी करेंगे, ये उन्होंने भी बोला, और प्रशासन भी नागरिकों का सहयोग करेगा। धन्यवाद। जय हिंद। आज बेटमा नगर में शांति सुरक्षा समिति की मीटिंग ली गई है। इस मीटिंग के अंदर आगामी त्यौहार जो बेटमा में परंपरागत तरीके से मनाए जाते हैं, ढोल 11 और अनंत चतुर्थी। ढोल 11 के दिन समस्त जो समाज के जो ढोल निकलते हो, जो सभी समाज के लोग जो झांकी निकालते हो और जो सभी व्यायामशालाओं के जो अखाड़े निकलते हैं, उनकी मीटिंग ली गई है। उस मीटिंग में निर्णय लिया गया है कि सभी अपना त्यौहार अपना पूरा हर्षोल्लास के साथ मनाना है और साथ ही साथ शांतिपूर्वक ढंग से मनाना गया। और जो आगामी त्यौहार जो अनंत चतुर्थी आ रही है, उस अनंत चतुर्थी के दिन जो गणेश जी का विसर्जन है, उस विसर्जन को भी इस तरीके से करना है कि जिसमें क्या होता है कि बच्चे, बूढ़े जो भी है नदी तालाब पे जाते हैं, उसकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रहे। इन्हीं सुरक्षा के कारणों के तहत ये मीटिंग ली गई थी और सभी लोगों ने एक सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया है कि ये जो त्यौहार है, हम आगामी त्यौहार बहुत अच्छे से मनाएंगे, धूमधाम से मनाएंगे। और यहाँ पे पधारे MPB के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि आप अपने MPB के अंदर कहीं भी लाइट की व्यवस्था भंग ना होना चाहिए। और साथ ही साथ हॉस्पिटल से जो पधारी हमारी रेखा दीदी को भी ये निर्देशित किया गया है कि यहाँ पर फास्ट ट्रैक की एक विशेष व्यवस्था रहे और एक एम्बुलेंस की विशेष व्यवस्था रहे। साथ ही साथ नगर परिषद को भी ये कहा गया है कि आप अपने अपने जो भी स्थान है उसको स्वच्छ और साफ रखें। बस ये कोई मीटिंग में निर्णय लिया गया है। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़।
हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।